नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 13 फरवरी 2023 की सुबह 9:21 पर सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 14 मार्च 2023 तक शनि कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। कुंभ राशि में सूर्य और शनि की मौजूदगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सूर्य को वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का राजा कहा गया है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब, आजीविका, सभी प्रकार की नौकरी और पेट का भी कारक ग्रह माना गया है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर सूर्य का आधिपत्य होता है। कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि मजबूत हो तो व्यक्ति में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य यदि बली हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता, जातक के अंदर आकर्षण क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य बली हो जाए तो सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी क्षेत्रों में कम प्रयास करने पर ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। सूर्य के अनुकूल होने पर जातक राजनीतिक जीवन में बड़े बुलंदियों पर पहुंचता है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना गया है। वहीं कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि खराब हो जाए तो हड्डियों में समस्या, हृदय जनित समस्या, आंखों के रोग, पीलिया की समस्या, भूख कम लगने की समस्या शरीर में दिखाई देती है। वहीं मान सम्मान की कमी हो जाती है और पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध खराब रहते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है। आपके राशि के लिए सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी होकर दिनांक 13 फरवरी को आपके राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के चतुर्थ भाव से माता, सुख सुविधाओं के बारे में, वाहन के बारे में, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि भी विराजमान है और सूर्य की उपस्थिति भी बन रही है, इससे आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप प्रयास करते हैं और यदि आप मेहनती हैं तो मेहनत के द्वारा आप कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं और सावधानी पूर्वक चलते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दशम भाव पर सूर्य दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो यह परिवर्तन आपके जीवन में क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने वाला है। वहीं चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके जीवन में पारिवारिक तनाव और पारिवारिक कलह देने के लिए भी स्थितियां निर्मित कर रही है। तो परिवार के साथ यदि आप जुड़कर चल रहे हैं, यानी परिवार के सदस्यों के साथ आपकी मौजूदगी बनी हुई है, तो आपके क्रोध में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिसको आप कम से कम रखकर चलने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है, इसलिए
पारिवारिक जीवन में आपको सामंजस्य बनाकर आपको चलना होगा। सेहत के मामले में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। माता के सेहत को लेकर भी सावधानी बनाकर चलना चाहिए। यदि माता की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और किसी प्रकार की शारीरिक समस्या निर्मित हो रही है तो डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में नाप तोल कर अपनी भावनाओं और बातों को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए हैं या कर्म स्थल पर आपका जुड़ाव है, नौकरी पेशा है, तो आपको सावधान और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। टू व्हीलर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, फोर व्हीलर वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करके ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शाकाहार और संतुलित भोज्य पदार्थों पर ही आपको निर्भर होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप नॉनवेज यानी मांसाहार, धूम्रपान, शराब इन चीजों का यदि आप सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में सूर्य जनित देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले दो मुख्य सावधानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को रखनी चाहिए। देखिए, व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ के बातों में आपको संलग्न होने से इस दौरान बचना है। और दूसरी सावधानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए कि भावना के वशीभूत में होकर, क्रोध पर आक्रोशित होकर कोई बड़ा निर्णय यदि आप लेने जा रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्घ देना आपके लिए बेहतर है और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सूर्य को अनुकूल और मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना बेहतर रहेगा। किसी भी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपण श्रद्धा और दक्षिणा भाव से कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।